क्वेश्चन नंबर 274 सीबीएसई 2013 के एग्जाम में आया हुआ है. फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन. मैं वैसे एक रैंडम पूछना चाहता हूं. आई नो इट्स अ वेग क्वेश्चन बट पता नहीं कई बार हिट कर जाता है. एलिप्स क्या होता है किसको नहीं पता? चलो बी वेरी ऑनेस्ट, फिर मैं थोड़ा हिम्मत दिखाऊं समझाने की. एलिप्स क्या किसको नहीं पता? सबको आता है. रजा की ये खासियत है, सच बोलता है. वेरी गुड. नहीं आता तो प्रणय को नहीं आता. शेप कैसी होती है इसकी बता? काइट जैसी के ट्रेपेजियम जैसी? हाँ, एलिप्टिकल शेप, एग शेप. आओ जी, आजो आजो. अब इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन. शो दैट एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल. इसका मतलब मुझे फंक्शन किसको बनाना है? एरिया को. सही है? दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स. इसका मतलब एलिप्स मेरा फिक्स्ड है. एरिया बात हो रही है रेक्टेंगल की जो किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है, जो किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है? एलिप्स के अंदर. और एलिप्स की शेप बेटा कुछ ऐसी होती है. श्योर? पक्का? और अगर इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया है कुछ ऐसा होगा. अब मैं थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसकी लेंथ को कह दूं 2x और इसकी ब्रेथ को कह दूं 2y चलेगा? हाँ, श्योर. ये पॉइंट इससे पता चल रहा ओरिजिन है और ये पॉइंट क्या आया? ए कॉमा जीरो. और ये पॉइंट क्या आया? जीरो कॉमा बी. श्योर? एक काम करते हैं, इसको 2l और 2b ही लेता हूं. तो ये इतनी लेंथ क्या आ गई? l आ गई. बोलिए, ये अगर 2l है तो ऑब्वियस है अगर रेक्टेंगल लार्जेस्ट होगा तो वो सिमेट्रिकल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं. और ये अगर 2b थी तो ये b होगी. अच्छा, अब ये भी पंगा है. लाओ जी, कैपिटल एल और कैपिटल बी ले लेते हैं. मैंने पहले एक्स और वाई इसलिए छोड़ा, मैं कहूं उस इक्वेशन में आप कंफ्यूज ना हो जाओ. ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 2l इंटू 2b. तो यहां पे मैंने l इंटू b की बात की और ये बन गया 4lb. एरिया तो मेरा समझ आ गया. अब इश्यू क्या है? गिवन है, गिवन है मेरे पास क्या? एलिप्स. एलिप्स का नोटिस करना, अगर यह पॉइंट, अगर मैं इसको कह दूं ए बी सी डी, तो यह पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पक्का एक्स कॉमा वाई होंगे. यार समझ लो बेटे, सबसे टेढ़े क्वेश्चंस में से अभी तक के. ये कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होंगे, ये बता सकता मैंने कैसे थॉट रखा है? अगर एलिप्स की शेप है और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ए और बी तो कॉन्स्टेंट ही होते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल है, तो एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा वाई. कल एक वो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया था, हेलीकॉप्टर वाला, सोल्जर वाला, उसमें एलिप्स और पैराबोला की इक्वेशन थी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन. तो वो पॉइंट जहां पे हेलीकॉप्टर को अटैक करना था वो एक्स कॉमा वाई लिया था कि नहीं लिया था? बोलिए. तो मतलब अगर मुझे कभी भी कोई ट्रेजेक्ट्री मिल जाए, पाथ मिल जाए, तो वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हर जगह एक्स कॉमा वाई ले सकता हूं. अगर ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है तो मेरे को जल्दी बता दो क्या यहां पाइथागोरस फिट होगी? हाँ, श्योर? इज दिस पॉइंट क्लियर?
पाइथागोरस फिट करूं को कुछ और सोचूं? है मेरे पास सी पॉइंट आया एक्स कॉमा वाई, और यहां से एक मिनट, ये एल ये बी, अगर ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, हाँ ये एल कॉमा बी भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? ये लेंथ ओरिजिन से गई एल और ये गया बी, तो ये एल कॉमा बी हो गया, और एल कॉमा बी किससे कंपेयर हो रहा है? एक्स कॉमा वाई से, इस पर कोई शक तो नहीं? बोलो बोलो, इसका मतलब मेरा एरिया बन गया 4lb। मैं एक समझाता हूं बेटा, इस पूरे पाथ पे कोई भी पॉइंट ले लोगे वो एक्स कॉमा वाई होगा, श्योर? हाँ, और क्योंकि ये लेंथ l है तो दुनिया जानती है ये पॉइंट क्या होगा, एल कॉमा जीरो, और ये पॉइंट क्या होगा, जीरो कॉमा बी, तो ये पॉइंट क्या होगा, एल कॉमा बी, श्योर? और एल कॉमा बी किसके बराबर है, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि वो किस पे आ गया, एलिप्स के ऊपर आ गया। और अगर ये आ गया, मैं जो करने दे रहा हूं समझना, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, चलेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये भी चलेगा। y इज इक्वल टू स्क्वायर, उधर जाके रूट बना, b ओवर a कॉन्स्टेंट है बाहर आ गए, अंदर क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस, क्या यहां तक आप सब मेरे साथ हो? बोलो यस yes? अगर यहां तक मेरे साथ हो तो आपके अकॉर्डिंग एरिया बन चुका है 4 इंटू एक्स वाई, और मेरे अकॉर्डिंग एरिया बन चुका है 4 इंटू एक्स इंटू वाई, की जगह क्या आ गया, b बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरा फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ x। कहानी पकड़ में आई सबको? पूरा क्वेश्चन देखो, कितना कनेक्शन लगाने पड़े, इसको एज्यूम करना पड़ा, इसकी लेंथ क्या है 2l, ब्रेथ मैंने 2l क्यों लिया ये आप सब जानते हो, क्योंकि सिमेट्रिकल था, आधा इधर आधा इधर, अगर मैं इसको लेंथ l लेता तो ये l बाय 2 से मेरा क्वेश्चन मुश्किल होता। कहानी पकड़ में आ रही है? गॉट इट? फिर उनमें से रिलेशन जोड़े कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल होगा 2l into 2b, वो बन गया 4lb, ये भी कोई दिक्कत नहीं। फिर ये भी जज किया कि अगर ये पॉइंट l है तो ये l कॉमा 0, और ये पॉइंट अगर है तो ये 0 कॉमा b, तो ये पॉइंट पक्का l कॉमा b होगा। और फॉर्चुनेटली वो पॉइंट किस पे लाई कर गया, किस पे लाई कर गया, एलिप्स पे, तो वो पक्का x कॉमा y के बराबर भी होगा। अश्विका ठीक है, ये प्योर कैलकुलस पे आ गए हम, हब है उसकी। अब ये बनते ही क्या मैं एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स को कुछ ऐसा लिख दूं, आप समझ पाएंगे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, कि मैंने क्वेश्चन के अंदर से कॉन्स्टेंट तो पहले बाहर निकाल दिया। बोलो जी, श्योर? अब मेरे इसके अंदर रह गए दो वेरिएबल्स, एक ये और एक ये, कौन सा रूल लगेगा मेरा? अब पहला स्टेप हुआ है, और मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में एक बात कही थी दो दिन पहले कि सबसे मुश्किल काम होता है फंक्शन बनाना, जिसने ये बना लिया क्वेश्चन खा चुका हूं। अगला स्टेप a डैश एक्स 4 बी बाय ए एज इट इज बाहर, हाँ आ जाओ जी, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 1/2 रूट, याद है रूट का डेरिवेटिव कंगना, 1/2 रूट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, a तो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 1। यहां तक सब क्लियर? 2 से 2 कटा, बाहर आ चुका है 4b/a, एलसीएम लिया, नीचे क्या आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं बेटा रूट, ऊपर बन चुका है माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, श्योर? अब ये मेरे पास बना 4b/a, मुझे लग रहा था x² कट जाएगा, नहीं बन रही बात, कोई बात नहीं, और ये बना मेरे पास a² - 2x²
ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। श्योर, अब ये बन चुका है ए डैश एक्स, ए डैश एक्स। अगले स्टेप पे क्या करें, पुट ए डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट करते, कॉन्स्टेंट तो जीरो में मर्ज हो गया, ये रूट पॉजिटिव है ये भी जीरो में मर्ज हो गई, बचा गया न्यूमरेटर, तो ये क्या आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। तो यार ये भी लिख सकता था ए स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ए क्या आया बेटा, सॉरी एक्स क्या आया मेरे पास, ए ओवर, क्या ये बात सबको समझ आई, यहां से मेरा क्या निकला ए निकला। अब अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहिए या मुझे, सोचो क्या मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहिए या मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहिए, फर्स्ट लगाना चाहिए। अब फर्स्ट के लिए कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा, ध्यान से सोचना, ये वैल्यू है a बाय रूट टू, इसका मतलब a अपॉन 1.414, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू कम होगी और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू, तो इससे छोटी वैल्यू अगर मैं सोचूं तो a बाय टू सोच लूं बोलो, और इससे बड़ी वैल्यू को a सोच लूं, क्या ये बात सबको समझ आई या नहीं आई। कल याद है कल एक वैल्यू आई थी रूट टू ए, 1.414 इंटू ए, तो मैंने एक वैल्यू ली थी 1 और एक ली थी 1.5, 2 में वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, वो डिनोमिनेटर को जीरो बना रही थी, वो अभी भी चेक करेंगे कि कहीं जीरो तो नहीं बन रहा, बट अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो मुझे डिनोमिनेटर अगर बड़ा करना है तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे जाएगी, और अगर वैल्यू नीचे वाली छोटी करनी है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी। ये तो सबको क्लियर है, डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा वैल्यू कम होगी, कहानी पकड़ में आई, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है, मैक्सिमा के मिनिमा बताना जरा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए कौन सा ग्राफ याद रखना था आपने, ये वाला, मतलब यहां पे मेरी वैल्यू क्या है a ओवर रूट टू, इसके इधर कौन सी वैल्यू लूं बोलो, a बाय टू और इधर कौन सी लूं a, इन पे चर्चा करते हैं ना, अगर इधर ग्रेटर आ गया आंसर तो बात बन गई, उधर लेसर आ गया क्या हो गया बेटे, हाँ क्या चीज उसका नहीं आ रही है। तो नाउ हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है ए बाय रूट टू, मुझे ए बाय रूट टू के इधर चेक करना और इधर चेक करने, श्योर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैंने ए बाय टू वैल्यू छोटी होगी उससे, अब पुट किस में करनी है, इसके अंदर थोड़ा मन में पहले कैलकुलेशन देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ए बाय टू का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बाय टू, और टू और टू कट गए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट कैच करिएगा, ए स्क्वायर बाय टू, टू और टू कट गए और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय फोर हुआ सॉरी, तो कुछ वैल्यू दे रहा है, डिनोमिनेटर चेक कर लो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, तो ये भी वैल्यू दे रहा है, तो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, तो हम कैसे चलेंगे इसमें, ए डैश ए बाय टू, ये पुट करते ही फोर बी बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू, क्या ये बात समझ आई, क्योंकि टू ए स्क्वायर बाय फोर था, टू से कट गया फोर, नीचे बना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर का रूट, अच्छा रूट टू है तो फिर तो जीरो आ गया ऊपर, फिर तो ऊपर क्या आ गया जीरो, मींस ये वैल्यू, अब ध्यान से समझना, ये वैल्यू बनी ए स्क्वायर बाय टू, ये बन गई ए स्क्वायर, हाँ ठीक है सॉरी, ठीक है जी ठीक है, टू पुट कर रहे हैं बेटा, रूट टू तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये बन गया टू और ये बन गया फोर, और ये करते ही हमारे पास बना क्वेश्चन, फोर बी बाय ए, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाय टू कटा तो ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू और नीचे बना फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बाय टू, और ये टू भी कैंसिल हो गया इस टू के साथ,
और नीचे बन गया रूट थ्री ए। क्या ये बात सबको समझ आई? ए स्क्वायर से ए कटा और ये बना फोर बी अपॉन रूट थ्री, और ये हमेशा जीरो से बड़ी होगी। पूछो क्यों? ए और बी, ए और बी एक लेंथ थी। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये हमेशा पॉजिटिव आ गई और मुझे ये प्रूफ करना था, उससे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगली वैल्यू क्या चेक करनी है? ए डैश ए पे, ए पे चेक कर लो, ये जीरो बन गया तो ए नहीं ले सकता, ए नहीं ले सकता। इसका मतलब ए बाय रूट टू से, ए बाय रूट टू की वैल्यू ठीक है से मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रूट टू की से वैल्यू छोटी लेनी है। रूट टू से वैल्यू देखो, रूट टू की वैल्यू थी 1.4 और इसकी वैल्यू थी 1.4 और 1 के बीच में कोई वैल्यू 1.2 ले लें। श्योर 1.2 से कैलकुलेशन आसान होगी या 1.25 से होगी? 1.25 से हो जाएगी। क्या ये बात कैच की? कारण समझिएगा, अगर मैं a अपॉन 1.25 लेता हूं तो ये बन गया 125/100 और वो बन गया 5/4 और a मैं वैल्यू ले सकता था 4a/5। समझे बात को? 4 देखो ना, ये 4 नीचे जाएगा तो 5/4 बनेगा, 5/4 क्या होता है 1.25, जो कि 1.4 से छोटी और 1 से बड़ी। इज दिस पॉइंट क्लियर? यार हमें तो क्वेश्चन चलाना है। ये कैलकुलेशन मैंने कहले बोला था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों लोग नहीं लगाते? वो इन वैल्यूज से घबराते हैं। पर जिसको ये गेम समझ आ गई वो क्वेश्चन हर तरह का कर जाएगा। अब ये वैल्यू लगाने के बाद मेरा आंसर क्या बना? 4b/a, इधर बना ए स्क्वायर और इधर बना 2, x की जगह आ गया 4a² बना 16a² / 25। क्या ये बात समझ आई? अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 16a² / 25, कोई दिक्कत नहीं। अब 4b/a into ये बना 25a² - 32a², आंसर आ चुका सामने। 25a² - 32a² कितने ए स्क्वायर? -7a² / 25। श्योर? इसका रूट 25 का 5 ऊपर चला गया और नीचे क्या बना? 25a² - 16a² 9a² 9a² रूट में से निकलते क्या बना? 3a। आई होप दिस इज ओके। क्या बात समझ आई? अब नोटिस करिएगा, a² कटा, 25 से 5 कटा और ये क्या बना मेरे पास? -28/15 b, और ये लेस देन जीरो होगा कि नहीं होगा? इससे आगे ग्रेटर देन जीरो, इसके पीछे लेसर देन जीरो, क्या बना? यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यहां पे यूज कर रहा हूं स्पेस, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैं क्या क्लेम कर सकता हूं? बोलो कौन मैक्सिमम? एरिया इज मैक्सिमम कब? एट x इज इक्वल टू, x क्या रिलेशन आया था? a बाय रूट टू, और उसने कुछ मांगा मेरे से, डायमेंशंस मांगी थी, यस और नो? फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। अब क्या करना है? अब उसने मांगा मेरे से एरिया, क्या मांगा है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया का फॉर्मूला हमारे पास बना था 4xy, या ये एरिया, क्योंकि इसमें मैं क्या कर सकता हूं? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अब समझ लो क्यों कहता हूं 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन है और फुल केस स्टडी है अपने आप में। अगर मैं यहां पे एरिया की बात करूं बेटा, मेरा एरिया क्या बना? 4xb/a अंडर रूट के अंदर a² - x², x क्या था मेरे पास? a/√2, तो ये क्या बन गया? a² / 2, चलेगा? श्योर? एरिया बना 4xb/a 2a² - a² a² / 2, तो यहां पे क्या आया? a/√2, क्योंकि a² / 2 का होल रूट था, a² का रूट a और 2 का रूट रूट 2, a से a कटा और मेरा आंसर क्या बना? 4 2√2 bx। इज दिस पॉइंट क्लियर? दैट इज माई एरिया। अंडरस्टूड? करिए जी नोट। गाइस यहां पे
हमें x को भी सब्सटीट्यूट कर दे a बाय रूट टू, तो a बाय रूट टू आया, तो यहां पे हमारे पास क्या बना, रूट टू टू, और ये बन गया 2ab। ये थोड़ा अच्छा लग रहा आंसर, तो ये आया 2ab स्क्वायर यूनिट्स। मैं फिर पूरा रिकैप दे दूं क्वेश्चन को, रिलेशनशिप निकाला लेंथ ब्रेथ के बीच में, श्योर, वहां से y और x के बीच में रिलेशनशिप निकला, किस रिलेशन से, कि अगर ये l है और ये b है तो ये पॉइंट l कॉमा b था, और ये मेरे पास आया x कॉमा वाई, ये क्या आया मेरे पास, और x कॉमा वाई यहां से मैंने y इन टर्म्स ऑफ x निकाला, ये जगह से y इन टर्म्स ऑफ x निकाल के एरिया में पुट किया, उसके बाद तो ये अपना डिफरेंशिएशन भी प्ले कर रहा था। ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें डिफरेंशिएशन हैवी थी, और उससे भी ज्यादा हैवी था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना, करिए जी नोट। यस एवरीबॉडी, इसी क्वेश्चन को करने की एक और अप्रोच है, उसको समझना। इस अप्रोच को कहते हैं यूजिंग पैरामेट्रिक इक्वेशंस। वेक्टर्स चैप्टर में ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज की जाती है चीजें, श्योर। अब समझना इसको क्या है, अगर ये पूरी लेंथ ए है, ये पूरी लेंथ ए है, और अगर ये पोजीशन वेक्टर होता तो ये इतनी लेंथ होती ए कॉस थीटा, क्या ये बात जस्टिफाई करते हो? हाँ, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूं, ये क्रैम कर लेना, ठीक है, वो बताऊंगा रीजन। ये क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, तो दैट मींस ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा। और जनरली इस क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करते हैं वो समझना, लेट खराब हो चुका, लेट वन वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल इज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अगर मैं इसको एज्यूम ही कर रहा हूं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, अब ये लेट करने का लॉजिक क्या है, आपको करवा दी छोटी सी क्रेमिंग। अगर ये पॉइंट ए कॉस थीटा है तो ये पक्का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉस थीटा कॉमा जीरो, और ये पॉइंट पक्का क्या होगा, जीरो कॉमा बी साइन थीटा, तो ये पॉइंट पक्का क्या होगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, ए कॉस थीटा, और ये लेंथ कितनी हो गई, बी साइन थीटा। ये इतनी सी, इतनी लेंथ बेटा, इतनी, श्योर। तो बताओ पूरी लेंथ कितनी हो गई, टू ए कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी, और पूरी ब्रेथ कितनी हो गई, टू बी साइन थीटा रेक्टेंगल की, बोलो। ये बस इतना बात ध्यान चलना है। तो मेरा एरिया निकला इस क्वेश्चन का 2a cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2b sin थीटा, श्योर, इज दिस पॉइंट क्लियर। अब यहां पे मैं एक चीज कर रहा हूं, ab 2ab into 2a 2 cos थीटा into sin थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का, वेरी गुड। तो ये बन गया 2ab into sin 2 थीटा। एरिया किसकी टर्म्स में चल रहा है, थीटा की टर्म्स में। पैरामीट्रिक का मतलब ही यही होता है, लेंथ को किसमें कन्वर्ट कर दो, एंगल्स की फॉर्म में, 2ab sin थीटा। यहां तक समझ आया सबको, अब एरिया मेरा बन चुका है, अगला स्टेप क्या होगा, इसका डेरिवेटिव। 2ab कांस्टेंट है एज इट इज, आ गया साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव, बोलो, कॉस 2 थीटा अपॉन ए सॉरी इनटू 2, श्योर। तो ये बन गया a डैश थीटा इज इक्वल टू 4ab कॉस 2 थीटा, ये भी समझ आ गया। बोलिए अगला स्टेप क्या होता है, पुट इट इक्वल टू 0, पुट a डैश थीटा is equal to 0, तो 4ab तो कांस्टेंट है, ये तो 0 में मर्ज कर गया, this implies cos 2 थीटा किसके बराबर आ गया, cos कब 0 होता है बेटा, 90 डिग्री पे, this implies 2 थीटा is equal to pi by 2, और थीटा किसके बराबर आ गया,
पाई बाय फोर, ये बात समझ आ गई? श्योर? अब मुझे क्या प्रूफ करना है? क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अगला स्टेप, एरिया मैक्सिमम था, डबल डेरिवेटिव, ए डबल डैश थीटा, इसका डबल डेरिवेटिव, फोर ए बी कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टू थीटा इंटू टू, तो ये बन गया माइनस एट ए बी साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, थीटा क्या था मेरा पाई बाय फोर, तो ए डबल डैश पाई बाय फोर पे, यहां टू इंटू पाई बाय फोर कह लू, तो ये बन गया माइनस एट ए बी साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू इज वन, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वन, तो ये बन गया माइनस एट ए बी विच इज लेसर देन जीरो, डबल डेरिवेटिव क्या आ गया नेगेटिव, तो एस ए डबल डैश थीटा इज लेस देन जीरो, सो एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर, एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर। अब मेरा मतलब वेरिएबल थीटा था इस क्वेश्चन में, पर मुझे प्रूफ क्या करना है इसका, मुझे निकालनी है इसकी एरिया ही निकालना है, सो देयरफॉर एरिया इज, एरिया क्या था फॉर्मूले का, ये था 2 ab sin 2 into pi by 4 which is 2 ab into sin pi by 2 and what is sin pi by 2 1, so आंसर क्या आ गया बेटा 2 ab square units। अब पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया किस मेथड से, जब मैं पैरामेट्रिक यूज नहीं कर रहा था, पैरामेट्रिक में सीखने वाली चीज क्या थी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन वेक्टर्स विच इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, क्या कहते हैं प्रोजेक्शन, मैं आपको वेक्टर्स चैप्टर में कराऊंगा वो सारा कॉन्सेप्ट, तब आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, अभी तो मैं कह रहा हूं ना कॉमर्स स्टूडेंट इसको कैम कर लो, क्योंकि नॉन मेडिकल में प्लस वन में कहीं ना कहीं सीखी है चीज, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो जो इसकी प्रोजेक्शन होती है ना, अगर इसको रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर ले रहा हूं तो ये बन जाती है ए कॉस थीटा और ये बन जाती है बी साइन थीटा, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये अभी के लिए आप थोड़ा सा स्टेप क्रैम कर, अगर ये ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, पर लिखना कैसे है, दैट एनी पॉइंट ऑन दिस, एनी पॉइंट ऑन दिस इज नथिंग बट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, आप उल्टा चलो ना, आपको प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आपको मेरे एक वर्टेक्स जो एलिप्स पे लाई कर रहा है वो कैसा है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, इसका मतलब ये लेंथ कितनी आ गई ए कॉस थीटा और ये लेंथ कितनी आ गई बी साइन थीटा, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी 2a cos थीटा, ये पूरी लेंथ कितनी होगी 2b sin थीटा, एरिया उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया हमने, पर बैक ऑफ द माइंड इसके अंदर लगा है वेक्टर्स चैप्टर, पैरामीट्रिक इक्वेशंस लगी हैं, गॉट इट, करिए नोट।